11, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन से हमें क्वेश्चन दे रखा है आई इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 कॉट थीटा कॉसी कैंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, आप यहां समझें। तो क्या हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, बट आप यहां थोड़ा ध्यान से देखें तो यदि मैं कॉट थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहां पे पुट कर रहे हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये हो गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। माइनस तो हमारे पास यहां नहीं है, इस तरफ ले आइए, विच इंप्लाइज कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन, जब हमारा थीटा पाई बाई 4 है, जब थीटा पाई बाई 4 है तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी होगा कॉट पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4 होता है 1, यानी जब थीटा पाई बाई 4 है तो टी हमारे पास 1 होगा, और जब हमारे पास थीटा पाई बाई 2 है तो टी कॉस पाई बाई 2 यानी वो 0 होगा। तो नई लिमिट्स क्या बन गई, नई लिमिट्स हमारे पास आ गई 1 से 0, और ये तो बन गया टी, ये बन गया माइनस टी, माइनस को बाहर ले लेंगे और इसका हो गया टी स्क्वेयर बाई 2 1 से 0। पहले 0 को रखेंगे तो 0 हो गया माइनस, अब 1 को रखेंगे तो 1 बाई 2, यहां से आया माइनस और माइनस का 1 बाई 2 यानी प्लस का 1 बाई 2। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो प्लस का 1 बाई 2 आ रही है। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, पहले कॉट थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड नई लिमिट्स बनाएंगे। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वापस से टी की वैल्यू रख दें, वो मेथड थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो आप लिमिट्स को ही टी की फॉर्म में बना लें, फिर आपको कुछ चेंज नहीं करना, टी में जो आंसर आता है उसी के अंदर वो लिमिट्स आपको वहां पर पुट कर देनी है।